વેલકમ બેક. આ વખતે ગુજરાતને દુષ્કાળનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હવામાનની આગાહી આપતી ખાનગી કંપની સ્કાયમેટે ગુજરાત અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં આ વર્ષે દુષ્કાળની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. સ્કાયમેટની આગાહી મુજબ આ વર્ષે વરસાદ સામાન્યથી 60% ઓછો રહેશે. ચોમાસાની ભૌગોલિક અસરની વાત કરીએ તો ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઓરિસ્સા, કેરળ અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં હવે પછી પણ વરસાદ ઓછો રહેવાની આગાહી છે. તો ગુજરાત અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં પણ દુકાળની આશંકા છે. એટલે કે દેશના કેન્દ્રીય ભાગોમાં પાક આ વર્ષે નબળો રહેવાની આશંકા સેવાયેલી છે. જો કે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ સામાન્યથી વધુ રહેશે. તો સ્કાયમેટે જૂન માટે 106%, જુલાઈ માટે 97% વરસાદનું પૂર્વાનુમાન લગાવ્યું હતું, જેની સામે જૂન અને જુલાઈમાં એલપીએની 110% અને 93% વરસાદ થયો. હાલ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સ્કાયમેટે હવામાનની આગાહીમાં ફેરફાર કરીને એલપીએને 94% કરી દીધું છે. તો આજ મુદ્દે વાત કરવા અમારી સાથે જોડાયા છે સ્કાયમેટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મહેશ કાલાવત. જી મહેશજી, સ્વાગત હૈ આપકા ટીવી 9 મેં. જીસ પ્રકાર સે અભી બારિશ, અભી ગુજરાત હો યા રાજસ્થાન મેં અભી બારિશ કી કમી દેખને કો મિલ રહી હૈ. સ્કાયમેટ ને જો પૂર્વાનુમાન કિયા થા ઉસકે મુતાબિક શાયદ બારિશ અભી નહીં હો રહી હૈ. અગલે દિનો કે કો લેકે સ્કાયમેટ કી ક્યા આગાહી હો સકતી હૈ? देखिए, अभी तक जो बारिश है वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम हुई है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात रीजन में 44% कम बारिश हुई है अभी तक ले, और सौराष्ट्र कच्छ में सामान्य से 49% कम बारिश अभी तक मिल पाई है. तो ये पिछले कई दिनों से जो साउथ गुजरात है, जैसे कि सूरत, वलसाड, भावनगर, अमरेली, इन इलाकों में तो बारिश की गतिविधियां चल रही थी, लेकिन जो कच्छ है उसमें बारिश बहुत ज्यादा कम थी. जैसे कि बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, पाटन, इदार, मोरबी, जामनगर, कांडला और भुज, नलिया, इन सारे इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा कम थी. और आगे भी अभी क्या है कि ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति एक बार फिर बन गई है, कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ नॉर्थ में चली गई है, तो पश्चिमी हवाएं चलेंगी. उससे क्या होगा कि मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा, कम से कम 28 या 29 अगस्त तक. उसके बाद दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश हो सकती है, और जो सितंबर का पहला सप्ताह है यानी कि 9 सितंबर या 10 सितंबर तक एक बार फिर हमें उम्मीद है कि जो दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं जैसे कि सूरत, नवसारी, डेंग, पंचमहल और अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो बारिश है वो रहेगी. और हो सकता है कि राजकोट, अमरेली और जो पोरबंदर वगैरह में भी कुछ बारिश की गतिविधियां हो जाएं, लेकिन भुज, नलिया, ओखा, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, कांडला और जो बाकी इलाके हैं, उत्तर गुजरात है, उस इलाके में सितंबर में भी बारिश कम दिखाई दे रही है. और 10 सितंबर के बाद धीरे धीरे, क्योंकि मानसून विड्रॉ होने के उस पर आ जाता है, तो अभी तक तो मॉडल ये दिखा रहे हैं कि 10 तारीख या 11 तारीख के बाद धीरे धीरे मानसून हटने लग जाएगा, तो बारिश की गतिविधियां हम कह सकते हैं कि इस बार गुजरात को बहुत कम मिली है. उसका कारण भी है कि पिछले साल आपने देखा होगा कि अगस्त के महीने में लो प्रेशर एरिया बहुत बने थे जो बंगाल की खाड़ी में बने थे जी, और वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़े थे, और उसके कारण क्या हुआ था कि विदर्भ और साउथ मध्य प्रदेश होते हुए वो गुजरात और साउथ राजस्थान में आए थे, जिससे कि कई स्थानों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बनती और बहुत अच्छी बारिश होती. लेकिन इस बार जो भी लो प्रेशर एरिया बना है वो नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश की तरफ और उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया, और गुजरात और राजस्थान सूखे रह गए. तो इस बार उम्मीद आगे भी बहुत कम दिखाई दे रही है. जी महेश जी, आपको क्या लगता है कि गुजरात में कितने परसेंट बारिश की कमी होने की संभावना है लास्ट ईयर की कंपेरिजन में? देखिए, अभी तो जैसे मैंने बताया कि 1 जून से 24 अगस्त के बीच में जो बारिश की कमी है वो जो पूर्वी गुजरात है उसमें 44% कम है, और जो सौराष्ट्र कच्छ है उसमें 49% कम है जी. तो अब ये जो कमी है हो सकता है कि 50% के आसपास पहुंच जाए, तो यानी जितनी बारिश होनी चाहिए गुजरात में उससे आधी बारिश ही
एक जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में मिलेगी, क्योंकि जो गुजरात में आगे भी कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं बन पा रहा, या तो वो अरब सागर के उत्तरी अरब सागर में कुछ अगर बनता है तो बारिश बढ़ती है, और कभी कभी जब बंगाल की खाड़ी में कोई निम्न दबाव का क्षेत्र या लो प्रेशर या वेलमार्क लो बनता है और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है तो गुजरात को बारिश देता है, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें उम्मीद काफी कम है कि अब मानसून रिवाइव कर पाएगा। हालांकि 10 सितंबर या 9 सितंबर तक गुजरात के पूर्वी जिलों में बारिश होती रहेगी, बीच बीच में 28 तारीख के बाद एक बार फिर बारिश शुरू होगी, और सितंबर के पहले सप्ताह में फिर से बारिश जो सेंट्रल और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हो सकती है। जी मतलब महेश जी, सितंबर मिड तक गुजरात में शायद बारिश देखने को मिलेगी, उसके बाद गुजरात में सूखे की संभावना हो सकती है स्काईमेट के मुताबिक। जी हाँ, क्योंकि जो मानसून है वो विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, यानी हटना शुरू हो जाता है, हवाएं बदलना शुरू हो जाती हैं, तो 10-12 सितंबर के आसपास तक तो बारिश की उम्मीद बन रही है जी। लेकिन उसके बाद जो बारिश है वो हटना शुरू हो जाएगी राजस्थान, गुजरात और बाकी उत्तर भारत से, तो क्या होगा कि मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, तो बारिश की संभावना काफी कम हो जाती है आधे सितंबर के बाद से। तो यानी कि पहला जो पखवाड़ा है, यानी कि फर्स्ट हाफ है, उसमें बारिश हो सकती है, उसके बाद से उम्मीद बहुत कम हो जाती है। और आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग सूखे रहते हैं और बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। अक्टूबर में तापमान तेज से बढ़ जाते हैं, तो गुजरात के लिए बोलते हैं कभी सेकेंड समर भी कहते हैं उसको जी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार जो मानसून है थोड़ा सा गुजरात में कमजोर ही रहेगा। और एक आखिरी सवाल महेश जी, गुजरात के किसान जो अभी बारिश की अभी वेट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे स्काईमेट की ओर से? देखिए, स्काईमेट की तरफ से हम कहना चाहेंगे जो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात है, यानी कि आप कह सकते हैं कि द्वारका, ओखा, पोरबंदर, जूनागढ़, आपका जामनगर, मतलब जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, भुज, नलिया, बनासकांठा, सबरकांठा, इदार, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में बारिश की संभावना बहुत कम है। तो जो भी पानी अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन पूर्वी गुजरात को अभी भी उम्मीद है कि बारिश मिल जाएगी, और ये जो बाकी इलाके जैसे मैंने पश्चिमी जिले बताए हैं उसमें बारिश होगी तो बहुत कम होगी, तो वो फसलों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि इस समय पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद मानसून से इस बार हमें दिखाई नहीं दे रही है। जी शुक्रिया महेश जी TV9 से बात करने के लिए। तो महेश पालावत के जो स्काईमेटना वाइस प्रेसिडेंट से कही रहा है कि गुजरात में आ वक्त दुष्काळनी संभावनाओं स्काईमेट जो रही है, कारण के जो वरसाद है कोई सीस्टम हाल में सक्रिय नहीं, गत वर्षों की तुलनाएं जे दरिया में